इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किसी तरह TPMS सिस्टम किस तरह से लगा सकते हैं। आपका जो एग्जिस्टिंग वॉल्व है उसको आपने खोलना है। ये खोलने से किसी भी किस्म की हवा ज़ाया नहीं होती, इसलिए आपको इस बात से परेशान नहीं होना है कि आपने ये वॉल्व खोला तो शायद आपके टायर से हवा निकल जाएगी। और ये निकालते ही आपको ये देख लें कि आप ये वाला जब लगा रहे हैं इसकी इस वक्त पोजिशन ये दिखा रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पर लगाऊँगा तो ये थोड़ी सी रीडिंग चेंज हो जाएगी इसकी। और इसको ये आपने ज़रूर नोट करना है कि आप इसने बहुत टाइट से लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ग्रीन हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही तरीके से टाइट हो गया है और ये अब लग चुका है। इसी तरह से मैं अब दूसरे टायर में लगा रहा हूँ। दूसरे टायर में मेरे पास वॉल्व गुम हो गए थे, इसी वजह से मैंने ये दूसरे नए वॉल्व मंगवाए हैं ताकि मैं इसमें लगा सकूँ। मैं इसके अंदर टाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं जैसे मैं टाइट करता जाऊँगा इसकी रीडिंग चेंज हो जाती है। ये बिल्कुल सही तरीके से टाइट हो गया है और ये ग्रीन कलर का आ चुका है इसमें। अब मैं चलता हूँ अगले टायर की तरफ, तो अगले टायर में भी हम जाके इसको लगा देते हैं। मैं एक टायर में पहले ही लगा चुका था और अब मैं इस टायर में इसको लगा रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि इसको खोलने से बिल्कुल किसी किस्म की टेंशन की बात नहीं है, आप इसको खोल के दूसरा लगा सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। एक दफ़ा में ये थोड़ा सा अपनी ग्रिप पकड़ने में टाइम लगाता है, लेकिन एक दफ़ा हो जाता है तो फिर आराम से आप इसे टाइट कर सकते हैं। आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आप इसको बिल्कुल टाइट करके लगा रहे हैं ताकि ये आपके टायर की हवा मेंटेन करे, ना कि लीक कर दे। ये बहुत ही आसान तरीका था TPMS फिट करने का। ये एक मैनुअल TPMS है जो आप लगा सकते हैं, बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान।